बहुत बढ़िया क्लीन किया है, कम से कम दूसरी बार की तुलना में। चर के लिए गए और कामयाब हो गए शिवली अजिंत। लेकिन आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरित जरूर करेंगे, 20 साल की आयु में अचिंत शिवली बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के तीसरे गोल्ड मेडलिस्ट बन चुके हैं। मुबारक मुबारक मुबारक, अद्भुत प्रदर्शन, न सिर्फ गोल्ड। इंग्लैंड के बर्मिंघम में वेट लिफ्टिंग में भारत ने झंडा गाड़ दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के तीसरे दिन भारत को छठा पदक मिला। वेट लिफ्टर अचिंता शिवली ने भारत के लिए तीसरा गोल्ड मेडल और छठा पदक जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को तीसरा गोल्ड मेडल मिल गया है। यह मेडल भी वेट लिफ्टिंग में ही आया है। 73 किलोग्राम कैटेगरी में 20 के अचिंता शिवली ने देश को गोल्ड दिलाया। अचिंता ने स्नैच में 143 किलो वजन उठाया। यह कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड है। उन्होंने क्लीन एंड जर्क के पहले प्रयास में 166 किलो वजन उठाया। दूसरे प्रयास में फेल होने के बाद तीसरे में उन्होंने 170 किलो का वजन उठाया। अचिंता शिवली ने कुल 313 किलो का वजन उठाते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड बनाया। अचिंता, लोग कहते हैं आप बहुत शांत स्वभाव के हैं, एकदम से कूल जिसको कहते हैं, और आपका खेल तो है जिसमें पावर लगता है, शक्ति का खेल है, तो ये शक्ति और शांति ये दोनों को कैसे आपने मेल बिठा दिया है? सर कुछ कुछ योगा करते हैं हम जो सर, तो उससे दिमाग शांत हो जाता है और ट्रेनिंग के टाइम उसको बाहर निकलते हैं कि जोश के साथ सर एकदम। अच्छा अंचिता, रेगुलर योगा करते हो? हाँ जी सर, कभी कभी मिस होता है लेकिन करता हूँ सर। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? मम्मी है और मेरा बड़ा भैया है सर। अच्छा, और परिवार से भी मदद मिलती है? हाँ सर, परिवार से मेरा मतलब फैमिली से फुल सपोर्ट रहता है कि करो अच्छे से करो, डेली बात होता है, हमेशा सपोर्ट ही रहा सर। लेकिन माँ को चिंता रहती होगी कहीं को चोट पहुंचा न दे, क्योंकि वेटलिफ्टिंग में हमेशा इंजरी की बड़ी चिंता रहती है। तो जी सर, माँ जब बात करता हूँ माँ से तो उन लोग अच्छे से खेलो। जो लिफ्ट थी आपकी, वो कुछ कोच साहब आपको समझा रहे थे काफी देर तक, क्या कह रहे थे? कोच मुझे समझा रहा था कि अचिंता कर इसको, हम ऐसे छोड़ नहीं सकते लिफ्ट को, हम बहुत बार करके रखा है तो इजी करके दिखा मुझे। क्या आप नर्वस हो रहे थे? नर्वस तो नहीं हुआ था सर, मैम ऐसा हुआ था कि मेरा सेकेंड अटेम्प्ट जो था थोड़ा चक्कर आया था, तो मैंने समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ मारना है, तो मुझे लग रहा था कि वो सही जगह पे गया लेकिन वो गया आगे, तो इसलिए फेल हो गया। तो थर्ड अटेम्प्ट में तो मुझे सही लगा और मुझे पता लगा कि इस जगह में मुझे पहुँचाना है निशाना को, तो मैंने उस जगह में पहुँचाया। अचिंता, हर खिलाड़ी की एक संघर्ष की कहानी होती है, आपकी संघर्ष की कहानी क्या है? मैम 2011 में मजे में ज्वाइन किया था मैंने लिफ्टिंग और मज़ा भी आ रहा था। 2013 में पापा एक्सपायर होने के बाद एकदम से मतलब फील किया था, क्योंकि घर में कोई थोड़ा थोड़ा मैं बड़ा हो रहा था तो थोड़ा तो समझ में आ ही रहा था, और उस टाइम भैया भी गेम छोड़ दिया, फिर मम्मी भी कुछ काम करने के लिए नहीं था तो मुझे भी करना पड़ा काम धीरे धीरे सभी के साथ। जोरीर काज मतलब हिंदी में तो सर मैम पता नहीं है, एम्ब्रॉयडरी ऐसा होता है, एम्ब्रॉयडरी टाइप का, उनको हाथ से बनाना पड़ता है फ्लावर, उसका डिज़ाइन बनाना पड़ता है।